हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या, किसी फ्लोर पे जो हमें टाइल लगानी है, ठीक है, मतलब फ्लोरिंग टाइल दी हुई है आपको, जिसकी शेप किस में है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसी शेप में कोई टाइल है आपकी, ठीक है, जिसका बेस कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये लो, इसका बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये लो, ये इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर? कह रहे हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वेयर। मतलब क्या, ये तो एक टाइल दे दिया आपको, ठीक है, उसकी उसने आपको एक बेस बता दिया, उसकी हाइट बता दी, ठीक है। फिर वो कह रहा है ऐसी कितनी टाइल्स हमें लगानी पड़ेगी इतने एरिया में, है ना, 1080 मीटर स्केयर। मतलब क्या, कोई सपोज करो कितना बड़ा एरिया हो सकता है ना, तो उसने उसका एरिया बता दिया हमें 1080। अब वो कह रहा है इतने एरिया में ये कितनी टाइल्स लगेंगी, तो बड़ा सिंपल है, पहले आप इस टाइल का एरिया निकाल लो, ठीक है, जितना इस टाइल का एरिया होगा उसको इस टोटल एरिया से डिवाइड कर देना, तो जो आएगा वो उतनी ही क्या होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स आपको लगानी पड़ेंगी उस एरिया में पर्टिकुलर। यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हम कर सकते इसके अंदर, ठीक है ना। देखो कैसे होगा सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा, जो भी हमें टाइल दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ टाइल में क्या है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपके पास, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही होता है, ठीक है। बिकॉज टाइल किस शेप में है, पैरेललोग्राम वाली शेप में है, तो एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस इंटू में हाइट। अब बेस कितना है, यहाँ हम लिख देते हैं बेस ऑफ टाइल कितना था, 24 सेंटीमीटर था, और जो हाइट थी टाइल की वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो बस बेस कितना आ गया, 24, और हाइट कितनी आ गई, 10। तो कितना आ गया, ये 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ टाइल आ गई आपके पास, ठीक है। और अब जो आपके पास गिवन है, टोटल एरिया कितना गिवन है, ठीक है, और टोटल एरिया ऑफ फ्लोर ये हमें गिवन है, वो कितना है, 1080 मीटर स्क्वेयर। अब मैंने आपको क्या कहा था कि टोटल एरिया इतना दे रखा है फ्लोर का और एक टाइल का एरिया इतना आया, तो कितनी टाइल्स लगेंगी इस एरिया में, तो मैं मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइल के एरिया को क्या करें हम यहाँ पर बताओ, डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें, मतलब ये टोटल एरिया इसको डिवाइड कर देंगे हम ये एरिया ऑफ टाइल से, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो टाइल का एरिया आया है वो आया है सेंटीमीटर स्क्वेयर में, और हमें गिवन कौन सा एरिया है फ्लोर का, मीटर स्क्वेयर में, तो इस सेंटीमीटर स्क्वेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वेयर में। और वो कैसे करते हैं सोचो, देखो उसको करने का क्या तरीका होता है, देखो जरा, अगर आप 1 सेंटीमीटर को किस में करते हो, मीटर में करते हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, ये तो चीज़ पता है ना। सपोज करो हमारे पास ये 24 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, 24/100 करना पड़ता, तब ये मीटर बनता, ठीक है ना, क्योंकि छोटा यूनिट जब बड़े में कन्वर्ट होता है तो डिवीजन में जाती है वो चीज़, ठीक है। और अगर ये बड़ा यूनिट छोटे में कन्वर्ट करना होता मुझे, सपोज करो मेरे को 1 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मैं 1 × 100 करता, तब ये 100 सेंटीमीटर बनता, ठीक है ना। बड़ा यूनिट छोटे में कन्वर्ट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब छोटा यूनिट बड़े में जाएगा, मतलब मैं सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मीटर में, तो वो डिवीजन में जाता है, तो 24/100, ठीक है ना। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वेयर है, तो अब सेंटीमीटर स्क्वेयर को कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वेयर को कन्वर्ट करना है किस में, मीटर स्क्वेयर में। तो 1 सेंटीमीटर में को जब मीटर में करते थे तो 1/100 लगता था, ठीक है, लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो किससे करेंगे, 100 के स्क्वेयर से, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर मुझे कितना गिवन है, सपोज करो ये 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसको मीटर स्क्वेयर में करना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, देखो 240, ये इसका मतलब यही है ना, 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार सेंटीमीटर को 2 बार ही मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या लगाऊँ, 1 बार सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, दूसरे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में भी 100, तब ये मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाता है, बात समझ रहे हो ना। सिंगल सेंटीमीटर को मीटर में करना होता तो अपॉन में 100, लेकिन अब सेंटीमीटर स्क्वेयर को मीटर स्क्वेयर में करना है तो अपॉन में 2 बार 100 आएगा, क्योंकि 100 का स्क्वेयर ही होगा डिवाइड भी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो बस अब हमें ये चीज़ तो पता चली गई है कैसे करनी है, तो बस तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाल लेंगे, अब हम इज इक्वल टू में टोटल एरिया ऑफ फ्लोर और अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ वन टाइल, और एरिया ऑफ वन टाइल ये हमने निकाला है। ये देखो जी, टोटल एरिया दिया हुआ है हमें फ्लोर का 1080 मीटर स्क्वेयर में,
और एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है, 240, और 240 को 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, इसको मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने भी बताया आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 बार 100, तो ये लो जी 100 × 100 ये आ गया। अब इसको मैं कन्वर्ट करके कैसे लिखूंगा, 1080/240, और ये 100 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर 100 × 100, समझ रहे हो कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये आ गया आपके पास 1081234/24, क्लियर। अब 24 को इससे डिवाइड कर दो, देख लो क्या आता है आपके पास, ठीक है जी। तो 24 को करके देखते हैं हम, 108 इससे डिवाइड करके देखते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो 108 और 4 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4, और ये रहा 24, तो ये 24 4 16 और 9, तो ये कितना आया आपके पास 2, और ये रहा 1, फिर 0, ठीक है जी। अब देखो ज़रा किस पे जाता है ये, 5 पे, 5 पे जाके कितना आ जाएगा आपके पास, ये 120, क्लियर। लेकिन आगे कितनी जीरोज़ बची हुई हैं, 1 2 3, तो अब ये तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये 3 जीरोज़ कहाँ जाएंगी, अगेन 2 3 पे इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 45,000 टाइल्स हमें लगानी पड़ेंगी इतने एरिया को कवर करने के लिए, 1080 मीटर स्केयर के एरिया को कवर करने के लिए आपको कितनी टाइल्स चाहिए, हम 45,000 टाइल्स चाहिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई थी कि नहीं आ गई थी, सेंटीमीटर स्केयर को मीटर स्केयर में कन्वर्ट करना है, तो 240 सेंटीमीटर स्केयर था, तो 240/100 और 2 बार 100 कर दिया था, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं पता चल रही है आपको, ठीक है, तो देखो मैं इसका अल्टरनेटिव भी बता देता हूँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। देखो और में देखो, जब मैंने एरिया निकाला, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या था टाइल का, बेस इंटू हाइट, क्योंकि पैरेललोग्राम था। देखो जी बेस आपको गिवन था 24 सेंटीमीटर, है ना, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 24/100 मीटर, ठीक है। ऐसे ही हाइट, हाइट कितनी गिवन थी आपको, 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में यहाँ कर लेता हूँ, या तो ऐसे कर लो, यहाँ पर अलग अलग मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद एरिया ऑफ टाइल हमें पता है क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, तो बेस कितना है 24/100 और हाइट कितनी है 10/100, तो ये कितना आ गया आपके पास यहाँ से, 24/1000 मीटर स्केयर आ गया, ठीक है, बस सिंपल। उसके बाद क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर जो गिवन है हमें, ठीक है, और एरिया ऑफ द वन टाइल, ठीक है। तो टोटल एरिया जो गिवन था वो कितना था हमारे पास, 1080 मीटर स्केयर, और जो टाइल का आया वो कितना आया, 24/1000। इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, 1080/24, और ये वन ऐसे लग के, तो ये कहाँ जाता है आपके पास, 1000 ऊपर जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं हम ये, ठीक है। 24 के नीचे 1000 है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1000/24, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखो जरा ये वही चीज़ आ गई जो आपके पास यहाँ थी, ठीक है। देखो जरा इसको अगर मैं सोल्व करूँ, 1080/123 और 24, देखो सेम आ रहा है यही, ठीक है, तो यहाँ से भी यही सेम आया, ठीक है, और इसका आंसर भी यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 45,000 टाइल्स, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना, ये भी सही है और यहाँ से भी सही है, तो आपको तो लेकिन पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर स्क्वेयर को जब मीटर स्क्वेयर में करते हैं तो इसका मतलब क्या है। नॉर्मल सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 1 बार 100 से डिवाइड होता है, सेंटीमीटर स्क्वेयर को मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 बार 100 से डिवाइड होगा, क्लियर है इतनी बात, बस ठीक है, ओके, थैंक यू।